नमस्कार, P24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजेश खत्री। कहते हैं गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता, लेकिन आजकल की अगर बात की जाए तो जो शिक्षक होते हैं कहीं ना कहीं वही गुरु की कॉपी करते हैं और गुरु के ऊपर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं धब्बा भी लगाते हैं, क्योंकि जब हर एक गुरु की एक इच्छा होती है कि उसका शिष्य जो है अच्छा काम करे और उसका नाम रोशन करे, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि शिष्य खुद गुरु का नाम बदनाम कर देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ में आज एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर की बात की जाए तो क्योंकि काफ़ी तरक्की भारत कर चुका और ऐसे में एस्ट्रोलॉजी का भी काफ़ी एक अपना महत्व है, और ऐसे में लोग ज़्यादा कोई भी अपना नया काम शुरू करता है या कुछ भी ऐसा नए बिजनेस की बात की जाए या नई गाड़ी की बात की जाए, नए मकान की बात की जाए, ऐसे कुछ भी शुरुआत करते हैं तो ऐसे में या कोई परेशान होता है तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए या जानने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान भी पूछते हैं। तो हमारे साथ में उमंग तनेजा जी हैं, उनसे बात करेंगे। उमंग तनेजा जी करीबन 30 साल से एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को इन्होंने शिक्षा दी है और काफ़ी ऐसे इनके शिष्य रहे हैं जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है, और गुरु के लिए वही पल काफ़ी अच्छा होता है जब एक शिष्य जब गुरु का नाम रोशन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की गरिमा पर, या हम ये कहेंगे गुरु वहाँ पर टूट जाता है जब उसका शिष्य उनका नाम डुबो देता है। उमंग जी से बात करेंगे, क्योंकि उमंग जी की अगर बात की जाए तो उमंग जी ने एक किताब लिखी थी 99 में, वो काफ़ी चली थी, लोगों ने काफ़ी उस किताब को खरीदा और उस किताब से काफ़ी प्रेरणा मिली, लेकिन आजकल वो किताब विवादों में है, क्योंकि किताब की अगर बात की जाए तो उस किताब को कॉपी किया गया है और कॉपी किसी बाहर वाले ने नहीं किया, जबकि जो इनसे शिक्षा जिन्होंने ली थी, राहुल नाम बताया, राहुल कौशिक और अनुज नाम बताया गया है, और बात की जाए तो उनके खिलाफ पहले उनसे निवेदन किया गया कि आप जो किताब है जो आपने कॉपी की है, आपने अमेजोन या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाली है सेल करने के लिए, जैसे उमंग जी के पास किताब पहुंचती है, बुक पहुंचती है, क्योंकि उमंग जी काफ़ी ऐसी किताबें खरीदते भी रहते हैं और उनसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं, लेकिन उमंग जी के पैरों तले से ज़मीन तब निकल गई जब उनकी लिखी हुई किताब की कॉपी खुद इनके पास पहुंचती है और वो नाम किसी और का होता है। उमंग जी, क्या मामला है पूरा का पूरा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। ये मेरी बुक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर बेस्ड है, एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथोडोलॉजी इसका नाम है। ये मैंने 99 में लिखी थी और ये बुक जो है 3 भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी, स्पेनिश और इंग्लिश के अंदर। जी, पहले मैंने इंग्लिश में लिखी थी, हिंदी स्पेनिश में भी इसको ट्रांसलेट किया गया था, मैंने और बुक्स भी जो है लिखी हैं, और ये बुक कॉपीराइट है, और ये बुक है KP एस्ट्रोलॉजी द हिडन सीक्रेट्स। ये मैंने 2020 में मेरे को बताया किसी ने, तो मैंने अमेजोन से ली, और खुद नहीं ली थी, किसी से खरीदवा के मैंने अपने पास देखी, जब देखी तो मेरे को पता चला कि मेरे बुक के जितने भी फार्मूले जो हैं इसके अंदर हैं। तो मैंने एक FIR के लिए कंप्लेंट दी तिलक नगर थाने के अंदर, तो मतलब वो परस्यू होती रही, फिर वो दिल्ली इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट रजौरी गार्डन में चली गई, और 31 अक्टूबर 2022 को अभी IO साहब ने मेरे को बुलाया, और उस समय राहुल कौशिक जी जिन्होंने किताब ये लिखी है, और एडिटर जो है अनुज गौड़ जी हैं, और ये KN राव जी के ब्लेसिंग से और उनकी इंस्पिरेशन से, उनकी गाइडेंस से किताब लिखी है, ऐसा इस किताब में लिखा है। तो अनुज गौड़ जी मेरे स्टूडेंट हैं, राहुल कौशिक जी मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। जी, तो राहुल कौशिक जी आए, उन्होंने कहा जी मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये किताब हटा लूँगा। उन्होंने कहा हफ्ते में डालूंगा, मैं कहा आप 30 दिन में डाली लीजिएगा। उन्होंने 30 नवंबर तक किताब नहीं हटाई। सर देखिए, तो किताब हटाना ना हटाना एक बाद का विषय है, लेकिन आपने कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून ने कार्रवाई भी की, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिष्य को आपने अच्छे काम के लिए शिक्षा दी थी, और आपको भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट आपके रहे होंगे जिन्होंने आपका नाम रोशन भी किया होगा, लेकिन कहते हैं कि आपकी की हुई मेहनत का क्रेडिट कोई और लेता है, श्रेय कोई और लेता है, तो ऐसे में लगता नहीं कि काफ़ी पीड़ा होती है कि हमारी पूरी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेकर चला गया, तो ऐसे में पुलिस तो
या कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन ऐसे शिष्य के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने आपकी खुद की जो बुक है उसका कॉपी किया है और उसके बाद उसको मार्केट में निकाल दिया? ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, इसलिए वो कॉपीराइट है जी। अब जो है वो कोई इसको मतलब जो है यूज़ करता है प्रेडिक्शन वगैरह के लिए, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी। तो इसमें अच्छी प्रेडिक्शन आती है, क्योंकि इसमें अच्छी प्रेडिक्शन आती है सिस्टम में, इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं हुआ किताब जो है कॉपी हुई है। इससे पहले भी ये बुक कॉपी हुई थी 2012 के अंदर, इस पर भी FIR हुई थी 2011 में, बुक कॉपी हुई थी। तो इस बुक को कॉपी किया था कृष्ण कुमार जी ने और के पाठक जी ने, तो उसका केस भी ऑलरेडी अभी चल रहा है। सर देखिए, आपने जो चीज़ें लिखी है एक बुक के अंदर, क्योंकि एक की गुरु का तो यही कहना होता है, या एक ऐसे हम शिक्षक की बात की जाए, या ऐसे समस्याओं का समाधान जो करता है उसकी बात की जाए, तो उसके लिए तो एक खुशी का पल होता है कि जो बुक आपने लिखी है उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा रही है, लेकिन कॉपी किसी और ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी आपको ये भी तो होगी कि आपकी लिखी हुई चीज़ नाम भले किसी और ने यूज़ किया हो, लेकिन उससे लोगों की समस्याओं का समाधान तो हो ही रहा ना। समस्या का समाधान है, उसमें मैं बहुत खुश हूँ जी। लेकिन आप ये कहोगे 13 लॉज ऑफ मोशन हम न्यूटन के नहीं है, वो किसी अनुज गौड़ के हैं, आप बोलो तुलसीदास जी की, रामचरितमानस नहीं है, वो अनुज गौड़ की है या राहुल कौशिक जी की है या KN राव जी की है, तो ये तो बात बड़ी अजीब सी हो जाएगी ना सर जी। जी ये मेरा कहने का। तो क्या कहना चाहते हैं आप अपने जो दर्शक देख रहे हैं बुक के बारे में, और दूसरा अपने शिक्षक के बारे में, और कानून से क्या चाहते हैं आप? बुक में तो मेरे ये कि अकेली किताब है दुनिया में जो सभी इवेंट्स ऑफ लाइफ, जो एजुकेशन, प्रोफेशन, चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, लिटिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के फॉर्मूले लिखती है। ठीक है, और कोई किताब नहीं है, इसलिए ये किताब 1999 से अभी तक 2022 हो गया, बार बार रीप्रिंट हो रही है, और 20 बार रीप्रिंट हो चुकी है और 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कैसे कैसे क्या क्या नुस्खे दिए गए हैं इस किताब के अंदर? इसके अंदर फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें किसी भी जन्मपत्री से लगाएंगे कि भाई ये बच्चा विदेश कब जाएगा या कनाडा का वीज़ा उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो एक जैसा लगेगा। इस तरह से मैरिज का भी है, चाइल्ड बर्थ का भी है, सब। अब आपने जैसे पूछा कि हम व्यवस्था से क्या चाहते हैं, व्यवस्था से तो यही चाहते हैं कि भाई FIR जैसे हुई है, चार्जशीट और केस चले और सच झूठ का जो है फैसला जो है जज साहब करे, कोर्ट में हो, और फिर जो है ये दोषियों को सजा मिले। ठीक है, वो तो कानून का काम है, कानून अपना काम करता रहेगा, लेकिन जो दर्शक आपके, जो लोग हैं, जो आपके फैन हैं, जो आपकी किताबें पढ़ते हैं, जो आपकी किताबों से प्रेरणा लेते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के जो है फार्मूले लगाइए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दीजिए। विद्या जो है सबको फ़ायदा देने के लिए है, तो उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम यूज़ करेंगे, लोगों को बेनिफिट होगा, समाज का बेनिफिट होगा, परिवार का बेनिफिट होगा, देश का बेनिफिट होगा। तो जो आपकी बुक है क्या एज इट इज कॉपी की गई है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने अपनी तरफ से भी डाला गया है सर इसके अंदर? वो थोड़ा बीच में छोटी मोटी शुरू में चीज़ें होती हैं, ग्रह क्या करता है, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा मोटा डाला ज़रूर है एज इट इज। जिसने इस किताब के अंदर, जैसे मेरी किताब के अंदर जो पेजेज हैं टोटल वो हैं 271, इस किताब के अंदर जो है 67 जी। ये बुक है 1400 रुपए की, मेरी किताब है 500 रुपए की, तो 67 पेज में से स्टार्टिंग में वो तो होगा ही कि भी प्रीफेस लिखा जाएगा और वो एप्रिसिएशन लेटर लिखा जाएगा, जी, जी, ये जी। सब इंडेक्स लिखा जाएगा, वो तो अलग होंगे ही, तो 50 पेज तो रह गए, 50 पेज के बाद जो है कुछ हॉरोस्कोप क्या तो क्या? लिखे तो उसमें 20-30 ही पेज गए, वो 20-30 मेरे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो आपने मेहनत की, कितना समय आपने इस बुक के लिए दिया है, और कितने समय में आपकी जो बुक है लिखकर तैयार हुई थी, कितनी मेहनत आपने, कैसे कैसे मेहनत की थी इसके ऊपर? वो 94 में 95 में मैंने पढ़ा था, उसके बाद इस पर मैंने काम किया, मेरे स्टूडेंट्स भी थे उन्होंने भी इस पर काम किया, विभिन्न जो है केस स्टडीज़ की, फिर उसको बाद हमने 5 साल के अंदर करीब ये पुस्तक निकाली थी। यानी कि 5 साल लगे आपको किताब को तैयार करने में, और क्रेडिट दूसरा चुटकियों में लेकर चला गया। अब देखेंगे जी, हमने अपना काम किया, देखो क्या होता है। बिल्कुल, तो जैसा कि उमंग जी ने हमें बताया, कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी यही निवेदन करते हैं, या जो ऐसे जो कॉपी करते हैं उनसे भी यही निवेदन करते हैं कि दूसरे की जो मेहनत है उसका क्रेडिट खुद ना ले, और कम से कम ऐसे लोग तो बिल्कुल भी ना जिन्होंने अपने गुरु से खुद
शिक्षा ली हो और उनसे प्रेरणा ली हो। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज़। मैं राजेश खत्री।